हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उस्ताजी टेक्निकल गुरु। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि BS6 बुलेट जो उनमें कोड आते हैं या आपका सेंसर वगैरह कोई खराब आते हैं तो उसमें ट्रबल शूटिंग आप कैसे कर सकते हैं, उसमें फॉल्ट को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक करते हैं। तो ये वीडियो खासतौर पर मैं उन व्यूअर के लिए लाया हूँ जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि भैया BS6 बुलेट में जो भी फॉल्ट आ रहे हैं उनको डायग्नोज करना सिखाओ, ट्रबल शूट करना सिखाओ कि किस सेंसर से क्या दिक्कत आती है और क्या एरर शो करता है अगर हमारी गाड़ी में हो तो कैसे हमें पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी में कोई एरर आ रहा है या MIL लाइट जल रही है तो आप सर्विस सेंटर लेके जाएंगे और अगर आपको दिखाते भाई ये कोड है तो आप इजीली इस वीडियो को देख के बता पाएंगे कि भाई इस कोड के लिए ये पार्ट खराब है, आप इसको चेंज करिए और आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तो दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपको फॉल्ट डायग्नोज करना है और कैसे अपनी गाड़ी का ट्रबल शूट करके ठीक करनी है। तो दोस्तों, अभी जो बाइक आई है मेरे पास ये है क्लासिक 350। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जो MIL लैंप होती है ये कंटिन्यूसली ऑन रह रहा है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी, जो कि स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाना चाहिए अगर आपकी गाड़ी सही है। तो अभी हम इसमें चेक कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम जो है एक्चुअल में आ क्या रही है। तो अभी चाबी ऑन कर ली है मैंने, ये बाइक स्टार्ट कर दी है। तो जैसा आपको विजिबल हो रहा होगा ये वाली लाइट MIL लैंप बोलते हैं इसको, ये स्टार्ट होने पर बंद हो जानी चाहिए। तो मे बी इस गाड़ी में कोई सेंसर में या किसी चीज़ में कोई एरर है जिस वजह से MIL लैंप कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि क्या करना है इसके लिए। तो अभी हम बाइक के ऊपर आ गए हैं, हमें इसको डायग्नोस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें F1 दबाना है डायग्नोस करने के लिए और फिर इसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम गाड़ी है तो कॉन्टिनेंटल सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंजन सिस्टम हमें चेक करना है, वो चेक कर लेंगे। अब हमें ऐसे बैक आ जाना है और डायग्नोस ट्रबल कोड पे क्लिक कर लेना है। तो अभी जो इसमें एरर आ रहा है ये ऑक्सीजन सेंसर का है, तो मे बी इसका कपलर खुला होगा कभी तो उसकी वजह से आ रहा होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं पहले। ये हमने इसको डिलीट कर दिया है, अभी इसमें ट्रबल कोड नहीं आना चाहिए। ये दोबारा आ रहा है, दोस्तों अगर ये बार बार यही एरर दिखा रहा है तो हो सकता है इसके ऑक्सीजन सेंसर में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम एक बार ही फिजिकली भी उसको चेक कर लेते हैं कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो अभी जो हमने देखा है ये जो उसका O2 सेंसर है ये यहाँ से पिचका हुआ है, डैमेज हो रखा है। इसमें बारीक बारीक इंटरनल पॉइंट्स होते हैं, मे बी आप उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है इसमें अंदर, इसीलिए बार बार ये एरर कोड शो कर रहा है और डिलीट नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं और हम नया लगा के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व होती है कि नहीं। तो दिखाता हूँ आपको वीडियो में आगे। तो अभी हम इसमें किसी दूसरी बाइक का खोल के लगा के चेक कर रहे हैं पहले, फिर इसमें हम नया लगाएंगे। तो अभी हमने इसको टाइट कर दिया है, अब इसके कनेक्टर लगाते हैं वापस। अब हम इसको डोल टूल की मदद से चेक करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं डोल टूल के ऊपर, अभी हम क्या करते हैं इसको दोबारा से एक बार डिलीट करके देखते हैं। तो हमने अभी इसको डिलीट कर दिया है और 2 सेकंड इसको देख लेते हैं कि वापस इसमें ट्रबल कोड तो नहीं आ रहा है, फिलहाल तो नहीं आया। तो अभी हम कहते हैं एक बार स्टार्ट करके भी देख लेते हैं। तो अभी कोई ट्रबल कोड शो नहीं कर रहा है और जो उसका MIL लैंप ब्लिंक कर रहा था वो भी अपना बंद हो गया है। दोस्तों अभी जो इस बाइक में फॉल्ट निकला है वो निकला है इसका O2 सेंसर इंटरनल डैमेज था, बाहर से भी उसमें फिजिकल भी डैमेज हो रखा था, उसके इंटरनल पॉइंट में कोई शॉर्ट सर्किट रहा होगा इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बार बार, और बाहर भी वो लेग गार्ड से या किसी चीज़ से टकराया हुआ था, पिचका हुआ था। तो अभी हमने ये जो सेंसर है उसको चेंज कर दिया और गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमने डायग्नोस किया और किस तरह से फॉल्टी पार्ट को रिप्लेस कर दिया बहुत ईजी वे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, अपने अच्छे अच्छे कमेंट देना और यार दोस्तों सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो जल्दी से वो सब्सक्राइब को कर लेना और ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी बहुत सारी यूजफुल वीडियो देखते रहें। तो आज के लिए यहीं पर लिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।